वेलकम टू अतुल्य डिफेंस स्कूल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर जीके का। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा पार्ट 1 है। जीके के कुल 25 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं और इस पार्ट 1 में हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम 5-5 क्वेश्चंस डिफरेंट पार्ट्स में शेयर करेंगे। तो आज की ये वीडियो है हमारी क्लास 9 की जीके क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि आपको पता ही है कि ये ब्रिटेन की एक ट्रेडिंग कंपनी थी एंड उस टाइम पर ब्रिटेन की सिर्फ एक ही ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, और भी बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज थी। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इतनी सारी ट्रेडिंग कंपनीज में से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ईस्ट की तरफ आकर ट्रेड करने का राइट किसने दिया था। तो यहाँ पर देखो एक फोटोग्राफ है, क्या पहचान सकते हो कि ये कौन है? चलो देखते हैं ये कौन है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर अ चार्टर। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिला। चार्टर मीन्स परमिशन, परमिशन मिला कहाँ से? फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की रूलर थी, और वो कौन थी? वो थी क्वीन एलिजाबेथ वन। तो ये जो फोटोग्राफ है ये है क्वीन एलिजाबेथ वन की। तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने इतनी सारी कंपनीज में से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ईस्ट की तरफ यानी कि इंडिया की तरफ आकर ट्रेड करने की परमिशन दी। तो ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट विदाउट कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर ब्रिटिश ट्रेडर, यानी कि बाकी के जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उनके साथ इनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई राइट्स ही नहीं थे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही राइट्स थे। और ये राइट्स किसने दिए थे? ये राइट्स दिए थे क्वीन एलिजाबेथ वन ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसी की बात हो रही है, आज की जो कांग्रेस है उसी की हम बात कर रहे हैं कि नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन कौन थी जो प्रेजिडेंट बनी। ठीक है, तो ये थी हमारी सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू एक पोएट भी थी और एक पॉलिटिशियन भी थी। इनको ज़्यादातर जो नाम से जाना जाता है वो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये पॉलिटिशियन भी थी और ये पोएट भी थी। ठीक है, तो इनका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लैंड कवर्ड विद ग्रास श्रब्स ऑन विच एनिमल कैन ग्रेस फ्रीली इज नोन एज डैश। कोई भी ऐसा लैंड जिसमें घास हो, छोटी मोटी झाड़ियाँ हो, जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल फ्रीली अपना चारा चर सकें, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं आपको, हम ये चारों ही ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो ये फैलो लैंड। फैलो लैंड कौन सा लैंड होता है? ये एक एग्रीकल्चर लैंड ही होता है, लेकिन इस एग्रीकल्चर लैंड को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसके ऊपर कोई क्रॉप नहीं उगाई जाती। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये लैंड अपनी फर्टिलिटी को वापस गेन कर सके। तो तब तक के लिए, जब तक इस पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है, तब तक के लिए इसको फैलो लैंड कहा जाता है। दूसरा देखते हैं क्या है, ओवर ग्रेजिंग। जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सारे कैटल इकट्ठे हो जाते हैं और चरने लगते हैं और बहुत ही जल्दी ये एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो ये ओवर ग्रेजिंग होती है कि एक ही जगह पर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो चर रहे हैं, घास खा रहे हैं। तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, यानी कि खाने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। नेक्स्ट पैस्चर। पैस्चर एक बहुत ही हरा भरा एरिया होता है जहाँ पे काफ़ी सारी ग्रास होती हैं, श्रब्स होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स जो हैं, कैटल जो हैं, बहुत ईजिली अपना खाना खा सकते हैं, यानी कि घास खा सकते हैं, तो ऐसे एरिया को हम पैस्चर कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड कौन सा लैंड होता है? जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो फैलो लैंड और एग्रीकल्चर लैंड में क्या डिफरेंस है? एग्रीकल्चर लैंड पे कंटिन्यूस एक्टिविटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती रहती है, लेकिन फैलो लैंड में कुछ टाइम के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाता है ताकि यहाँ पर जो है फर्टिलिटी दोबारा से गेन हो सके। लेकिन फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऐसा लैंड जो कि ग्रास से कवर्ड होता है, हरा भरा होता है, जहाँ पे एनिमल्स इजीली अपना खाना खा सकते हैं, तो वो कौन सी होती है? पैस्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा पैस्चर। ठीक है, चलो
डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या कॉल करके अपने डाउट्स ले सकते हैं. इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग योर डाउट्स बिलो द वीडियो, इट इज़ बेटर टू कॉल और मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. ओके, साथ के साथ अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. प्लीज़ इन्हें लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल बटन जरूर जब दबाएं ताकि आपको कंटिन्यूसली अपडेट्स मिलती रहें. तो आगे चलते हैं अपनी वीडियो को. क्वेश्चन नंबर 4, नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसमें हम पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो नॉर्वे कंट्री जो थी वो पहली कंट्री थी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया. और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है इन विच जो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूजिंग द हाइड्रो पावर. तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम जो चीज़ यूज करते हैं वो होता है हाइड्रो, हाइड्रो पावर यानी कि पानी. तो कुछ इस तरीके का डैम बनाया जाता है एंड उस डैम में बहुत सारे पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका आंसर है नॉर्वे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज. छोटे छोटे पॉन्ड्स या टैंक्स को बनाकर उनको फिश को उसमें रखा जाता है एंड देन उनको ब्रीड किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. तो देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं. जैसे एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर फार्मिंग करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं, वो एग्रीकल्चर होती है. सेरीकल्चर, सेरीकल्चर होती है सिल्क निकालना. जो हमारे वॉर्म्स होते हैं उनमें से कई सारे वॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें से सिल्क को निकाला जाता है. तो सिल्क वॉर्म, जैसे हम आपने सुना होगा, तो सिल्क निकालने का, वॉर्म्स में से सिल्क को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं. पीसी कल्चर क्या होता है, इट इज़ अ ब्रीडिंग ऑफ फिश. तो यहाँ पे फिश को जब ब्रीड किया जाता है स्पेशली इन अ स्मॉल टैंक्स और पॉन्ड्स जो कि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होते हैं, उसको हम पीसी कल्चर कहते हैं. विटीकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, उगाना. अब देखो एग्रीकल्चर में और विटीकल्चर में क्या डिफरेंस है. एग्रीकल्चर में भी हम क्रॉप्स उगाते हैं, विटीकल्चर में भी हम क्रॉप्स उगाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में क्रॉप्स उगाने के लिए हम सॉइल का यूज करते हैं, मिट्टी में जो उगाते हैं हम. लेकिन विटीकल्चर में मिट्टी के अलावा भी ऐसे बहुत सारी मेथड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्रॉपिंग एक्टिविटी करते हैं, ठीक है. तो वो विटीकल्चर होता है. एंड हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें उगाना, ठीक है, बट फॉर द कमर्शियल यूज़. तो बड़े बड़े जो एकर्स होते हैं जिनमें कि किसान अपना वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं और फिर आगे उसको बेचते हैं, तो कमर्शियल यूज़ जब करते हैं तो वो हो जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है. तो आई गेस कि आपको इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा कि एक छोटा सा पॉन्ड या लेक जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होता है, जिनमें हम फिश को रखते हैं एंड देन उनको ब्रीड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशी कल्चर. तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जैसे कि मैंने कहा है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें डायरेक्टली कॉल या मैसेज करके बहुत इजीली कोई भी डाउट्स ले सकते हैं. इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या लिंक्डइन पे. इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे. वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको ईजिली अपडेट्स मिलती रहे. तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में. Have a nice day. Thank you very much.